हेलो दोस्तों, टेकी पॉइंट के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और इस वीडियो में बात करेंगे आसुस जेनफोन के दो नए फ़ोन के बारे में, जी हाँ, जो कि लॉन्च होने वाले हैं 11 दिसंबर को। और इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से फ़ोन होने वाले हैं और क्या कुछ होगा उसमें, लेकिन वो रूमर था। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज पूरा फुल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, जो कि कन्फर्म है क्योंकि ये रसिया के अंदर लॉन्च हो गया है कल। यह दोनों फ़ोन कल रसिया के अंदर लॉन्च हो गए थे, तो आज हम उनका डिटेल्स बात करेंगे। और ये लगभग ये कंफर्म वाला है, जो भी स्पेशल होगा सिर्फ प्राइस में ऊपर नीचे होगा, क्योंकि प्राइस डिफरेंस तो रहेगा रही है, दूसरा कंट्री है तो थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस हो सकता है, लेकिन जो स्पेशल है लगभग सेम है और एक छोटा सा चेंज है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं फ़ोन के बारे में। तो दो फ़ोन लॉन्च होगा, पिछले वीडियो में बता दिया था कि दो फ़ोन है। तो इसका नाम है आसुस जेनफोन मैक्स प्रो M2, जी हाँ एक प्रो M2 है और दूसरा जो है सिर्फ M2 है, जी हाँ दो। जैसे कि मैं बताया जाता है पहले पिछले वीडियो में कि दो फ़ोन आने वाले, तो दो ही फ़ोन आने वाले, एक है प्रो वर्जन और एक है नॉर्मल वर्जन, सिर्फ M2 है। क्या कुछ डिफरेंस है, तो दोनों का स्क्रीन साइज जो है 6.3 इंच है, जी हाँ दोनों में आपको सेम साइज स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा। दोनों में आपको नॉच देखने को मिलेगा, यानी कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला दोनों डिस्प्ले आपको मिल रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो प्रो वर्जन है, यानी कि जो हायर वेरियंट है, उसमें आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा, जी हाँ 1080p वाला डिस्प्ले मिलेगा। और जो M2 है यानी कि नॉर्मल प्रो वर्जन जो नहीं है, वहाँ पे आपको 720 वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जी हाँ यानी कि HD प्लस फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलेगा। और साथ साथ जो प्रो वर्जन है वहाँ पे दोस्तों आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जो नॉर्मल M2 वर्जन है वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कुछ भी देखने को नहीं मिला, बताया नहीं गया, हो सकता है होगा लेकिन कुछ भी वहाँ पे बताया नहीं गया कि प्रोटेक्शन है कि नहीं। लेकिन ये बताया गया कि 2.5D वाला ग्लास आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों का प्रोसेसर के बारे में। तो एक में जो कि हाई वर्जन है, यानी कि प्रो वर्जन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660, ये पिछले बार बता दिया था आपको, 660 देखने को मिल रहा है। और जो लोअर वेरिएंट है यानी कि M2 है, वहाँ पे आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में 636, लेकिन 636 नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको 632 एक नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्वालकॉम का है, क्वालकॉम 632 वेरिएंट है, यानी कि जो 626 है उससे अबव वर्जन है। तो 636 नहीं मिल के यहाँ पे आपको 632 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोनों वेरिएंट में रैम रोम का। तो जो प्रो वर्जन है वहाँ पे आपको 4GB 6GB दो रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, और जो M2 है यानी कि विदाउट प्रो वाला जो फ़ोन है, वहाँ पे आपको 3GB 32GB स्टोरेज, 4GB 64GB स्टोरेज दो वर्जन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें दो 3 और 4 का मिल रहा है, तो 4 दोनों में आपको मिल रहा है। प्रो वर्जन में आपको 4GB 64GB और 6GB 128GB दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो जो मैक्स प्रो M2 है, प्रो वर्जन जो है वहाँ पे डुअल कैमरा, दोनों में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, लेकिन जो प्रो वर्जन है वहाँ पे आपको 12+5MP का पीछे की तरफ मिल रहा है और सामने की तरफ 13MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और जो सेंसर की बात करते हैं, तो सेंसर सोनी का यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं M2 में, जो कि प्रो नहीं है यानी कि लोअर एंड वाला फ़ोन है, उसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको 13+2 का पीछे की तरफ कैमरा मिल रहा है और सामने के जो सेल्फी कैमरा है वो 8MP का देखने को मिल जाएगा। और कुछ फीचर्स की बात करते हैं, तो डुअल 4G सपोर्ट दोनों में आपको, दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बताना पड़ता है, क्योंकि जो आसुस का जो 6000 वाला फ़ोन निकला था और आसुस का M1 भी निकला था अभी एक महीने पहले, जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था, दोनों में आपको 430 प्रोसेसर मिल रहा था क्वालकॉम का, और दोनों में आपको ये सब देखने को नहीं मिल रहा था, डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए बता देता हूँ, ये दो जो दो फ़ोन है ये अभी नया प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टेज सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ सिम स्लॉट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप दो सिम लगा सकते हैं और साथ साथ माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, जी हाँ यहाँ पे आपको हाइब्रिड नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, लेकिन दो सिम एक साथ लगा सकते हैं और साथ साथ माइक्रो SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो जो प्रो वर्जन है वहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिल रहा है, लेकिन जो नॉर्मल वर्जन यानी कि M2 जो है वहाँ पे आपको 4000mAh का बैटरी मिल रहा है। तो बैटरी यहाँ पे प्रो में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे कि मैक्स जेनफोन M1 था, प्रो मैक्स प्रो M1 था, वहाँ पे आपको 5000 का मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिल रहा है, लेकिन जो नॉर्मल M2 है वहाँ पे आपको 4000mAh का बैटरी मिल रहा है। तो ये था दोस्तों मैक्स प्रो M2 और मैक्स M2 यानी कि प्रो विदाउट प्रो वाला जो वर्सन है, दोनों का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स। और एक बात जो बताना भूल गया था मैं, वो मेन बात है, जो कि प्रो वर्जन जो है M2 प्रो वर्जन जो इंडिया में लॉन्च होगा, जो रसिया में लॉन्च हुआ है वो वाला नहीं, जो इंडिया में लॉन्च होगा, आप एड भी देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको एंड्रॉयड 1 सपोर्ट मिलेगा, जी हाँ स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आने वाला है वो, जैसे कि बाकी आसुस का कस्टम रोम में आते हैं, लेकिन ये जेन यू में आते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रो वर्जन आएगा M2 का वो आएगा स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर। तो ये एक अच्छी बात है कि स्टॉक एंड्रॉयड, और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको अपडेट गूगल का जल्दी मिल जाएगा,
जो पी है बहुत जल्दी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आएगा अभी ओरियो में शायद से, लेकिन पी आपको बहुत जल्दी उसमें देखने को मिल जाएगा। अब दोनों की कीमत की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होगा, जो रसिया प्राइस है वो तो वहाँ पे 13,000 दिखा रहा है, लेकिन जहाँ तक यहाँ का बात है तो इंडिया में शायद से 10,000 के नीचे से ये स्टार्ट होगा, जो विदाउट प्रो वाला है। प्रो वाला वर्जन शायद से 13,000 से यहाँ से स्टार्ट होगा इंडिया में, लेकिन रसिया में जो विदाउट प्रो है यानी कि M2 जो है उसका प्राइस रखा गया 13,000 और जो प्रो वर्जन है उसका प्राइस रखा गया 19,000। जी हाँ, ये रसिया प्राइस है, लेकिन इंडिया में आएगा तो कम जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको आसूस का दो फोन के बारे में, हमेशा नाम नहीं बोलूँगा, बहुत लंबा नाम है, तो आसूस का जो दो फोन लॉन्च होने वाले 11 को उसके बारे में कंफर्म डिटेल्स आपको मिल गया होगा और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस तरह वीडियो आपको पसंद आता है, और भी बहुत सारे अनबॉक्सिंग फोन भी आते हैं, तो वो सबको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिल जाएगा, उसको दबा देने से ग्रे हो जाएगा और सब्सक्राइब भी हो जाएगा। तो मेरा नाम है सुमन, आप देखते हैं टेकी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।